stanno appena partito. On my own, sir. Heard you gon' clone, sir. Stop all that messy, dawg. Nigga don't wanna go. कैटेगरी की खड़ी है बाइक्स, एक है R3 यमहा की इनलाइन टू सिलेंडर इंजन के साथ ऑफर करी जाती है, तो एक तरफ BMW की G310RR, मतलब ये थोड़ा टिपिकल नाम हो गया है, बल्कि TVS 310RR, भाई कंफ्यूज, छोड़ो खत्म करो टॉपिक चेंज, नीम लगाते हैं यहाँ पे। तो बाकी आप लोग लुक वाइज देख सकते हो, लुक वाइज दोनों ही बाइक बहुत सेक्सी लग रही है मेरे को। इसका ब्लैक एडिशन कलर बहुत सेक्सी लगा भाई, मतलब ये जो बैजिंग वगैरह दी गई है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लुक तो दे ही रही है कहीं ना कहीं। बाकी R3 तो R3 है ही, लेजेंडरी बाइक। तो दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ज्यादा पावरफुल। तो हालांकि इसको थोड़ा एडवांटेज होने वाला है, बाकी इसमें पावर ट्रॉनिक भी लगा है तो थोड़ी मॉड होने की वजह से थोड़ी और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ऑलरेडी इतनी ब्रूटल मशीन, पावर ट्रॉनिक के बाद और पावरफुल। तो चलो सीधा बाइकों पे मिलते हैं बिना बोर करे। तो आज हमारे साथ में मिस्टर सोलो ट्रैवलर, तो इनका भी चैनल आप चेक कर सकते हो जाके। बाकी मिलते हैं सीधा मोटर व्लॉग पे। आगे लगाओ, तो अपने राम भाई देंगे हॉर्न। हॉर्न दो, शिफ्टिंग इसकी टॉल है, दो दो। बहुत पावरफुल है R3, देख रहे हो पूरे 13,000 RPM तक रेव हो रही है R3। और ये R3 आपकी निकली आगे और BMW आपकी है पीछे। कोशिश कर रहे हैं कि R3 को कैच कर ले, पर मुझे नहीं लगता कि R3 को कैच कर पाएगी। ये देखो, और इतना ज्यादा स्मूथ इंजन है भाई, इतना स्मूथ इंजन है जिसकी कोई जवाब ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा। और घूमपट घूमपट ट्रैकर्स भी है इसमें। एक तो यार R3 फास्ट भी है और BMW अगर स्पीड में R3 को कैच कर ले गई, लेकिन मीटर में नहीं कैच कर सकती, क्योंकि कहाँ R3 का मीटर आपका 190 भागता है, पहले तो गाड़ी 190 ना भागती हो। रिफाइनमेंट में यार दिल खुश कर गया यार मारे, ऊपर से 13,000 RPM तक रेव हो रही है, पूरा रेव हो रहा है इंजन भाई, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। सबसे ज़्यादा मतलब बढ़िया, एक तो राइडिंग पोस्चर इतना अच्छा है, दूसरा आवाज़ सुन लो पट, और इतनी रिफाइंड बाइक है। ये देख रहे हो पावर, ये पावर डिलीवरी है R3 की। बाकी ये BMW आ ही चुकी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ बाइक है भाई, इसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, मेरे को तो चला के मज़ा आ गया। अब अपन को लग रहा है एक गैरेज में R3 भी अपने होनी चाहिए, तो बहुत रिफाइंड बाइक है यार, सच में तारीफ के काबिल है ये बाइक, जितना मैंने सुना है उस तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। तो अब हम लोग ये भगाते हैं, थोड़ा कैमरा एंगल इनके हिसाब से, इन बाइकों के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, अगर गंदा आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी, इनके हिसाब से सेट नहीं है। और ये देखो आप BMW जो उठी है भाई आगे से, भाई मेरा पूरा फोकस BMW के ऊपर था। चलो शिफ्टिंग अच्छी करते हैं, लीड बना के रखनी है थोड़ी देर तक हफ्ते को। देखते कितनी देर लीड बना पाते, हालांकि अब आ रही होगी वो, अब तो वो उड़ती हुई
बाकी BMW की ब्रेकिंग भी अच्छी है, बस पिछला ब्रेक मेरे को थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि और अच्छा करा जा सकता था। क्या हुआ भाई? मैंने लॉन्च दिया तुम्हारी गाड़ी उड़ के, मैं तुमको देखा कैमरे में आ गई हूँ, बस ओटी गाड़ी मजा ही आ जाएगी, टाइटल हो जाएगा। लेकिन भाई तुमको मैंने पांचवे गियर में बीट किया था, पता है मेरे को भाई, भाई पता लग रही हो कितनी रिफाइंड बाइक है भाई, कितनी रिफाइंड। देख रहा पांचवे गियर पे जा रही है भाई, चेंज कर लेने का छठा लाल डालू, मैंने कहा नहीं डालूंगा, रिस्क ले लेते हैं एक बार की बीट कर। क्या हाँ, तो चलो भाई अगर आप लोग को ये वीडियो तो आई ऑल तो अच्छी लगी होगी, आर्थिक की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, तो मतलब आप देख सकते हो कैसी थी भाई ये परफॉर्मेंस, वो तो व्हीली तान गई थी, हालांकि अब तो भाई तुम्हारा कंफर्टेबल हो गया व्हीली पे तो लॉन्च करने में, फिर मुझे डर नहीं लगा, वरना तो मैं ब्रेक लगा देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाओ यार, कर दो गरीब पे भला। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ राइड हार्ड।